जिला हमीरपुर में बस स्टैंड के पास टैक्सी यूनियन में सुबह के समय अचानक ही एक सूखे पेड़ में आग लग गई, जिसकी वजह से आसपास की दुकानों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूखे पेड़ के पास एक बिजली की तार का खंभा भी था। अगर जरा सी आग इधर उधर हो जाती तो कोई बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन मौके पर ही दुकानदारों ने अग्निशमन विभाग की टीम को बुलाकर आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। गनीमत ये रही कि सुबह का समय होने के कारण लोगों की आवाजाही कम थी, जिसके चलते कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ने बताया कि उन्हें फोन आया कि बस स्टैंड के पास जो टैक्सी यूनियन है उसके पास एक सूखे पेड़ में अचानक से आग लगी है। उन्होंने बताया कि मौके पर ही अग्निशमन विभाग की टीम द्वारा आग पर काबू पा लिया है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मेरे फोन आया है कि जी साहब ने फोन किया कि यहाँ टैक्सी स्टैंड को चढ़ते ही गौतम होटल के सामने पेड़ में आग लगी हुई थी। सूखा पेड़ था, आग लगी हुई थी, जिसको फायर ब्रिगेड ने अभी काम कर दिया है और जी साहब ने लाइन को बंद किया, क्योंकि इस तरह से ही हमने उसको दोबारा पानी का टैंक से जो है जी साहब ने फोन किया, पूरी लाइन बंद थी ना, हमने उसका तो चेकिंग की तो यहाँ गिरा हुआ था, गिरा हुआ था सब जाकर लाइट में उतार दी, सारी चालू करा दी, साइड बंद की हुई है, फिर उनको फोन किया।